हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैंने फिर से ये TVS राइडर परचेज़ की, क्योंकि इससे पहले मैंने परचेज़ किया था राइडर जो एजेंसी में जाकर के इससे पहले हमारे साथ स्कैम हुआ था। और वो वीडियो मैंने अपलोड भी किया है कि हमारे साथ कैसे स्कैम हुआ, एजेंसी के तरफ से किया गया था। तो मैंने दोबारा फिर से ये राइडर अभी कल ही परचेज़ किए हैं, और वहाँ से तो मैंने नहीं लिया TVS एजेंसी से, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगे। तो ये TVS राइडर मैंने दूसरी जगह से उठाई, वो भी बुकिंग पर। और बहुत अच्छा फीचर्स है इसका। इसमें तीन तरह के आते हैं इसके वेरिएंट्स। एक आता है डिस्क एक्ट्रम और एक आता है कनेक्टेड। कनेक्टेड काफ़ी महंगी पड़ जाती है, करीब हमें लग रहा है 1,24,000 तक पड़ जाती है। और ये डिस्क तो मुझे मिली है 1,13,360। और उसके बाद इसके तीन वेरिएंट्स हैं जो आपको मैंने बताए। 6 कलर अवेलेबल हैं इसके, 125 CC है, और इसका BH पावर 11.2 और टॉर्क भी 11.2 है। और इसका वेट तो करीब हमें लग रहा है कि 123, नहीं 123 kg ही है, क्योंकि चलने में तो भाई बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। इसकी टैंक कैपेसिटी 10 लीटर का है। इसका ड्रिस डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छा है भाई, भाई मज़ा आ गया इसका डिस्क ब्रेक मुझे चला करके गाड़ी। इसका आपने कभी नोटिस किया होगा कि शॉकर, जो लेफ्ट और राइट साइड शॉकर होते हैं, नहीं इसका मेन एक ही शॉकर है, वो भी मिडिल में है, मिड में है, जो देखने पे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मैंने सोचा इतना शॉकर कहाँ है, फिर अच्छा देखा तो इसका नीचे शॉकर लगा हुआ था। पीछे से भी भाई गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, एक तरह से ड्यूक का लुक आ रहा। देखिए आप, MT15 का लुक दे करके ही बनाया गया है इसको। इसकी सीट का एरिया बहुत अच्छा है भाई, बैठने पर लगता है कि हाँ स्पोर्टी बाइक है। और इसका आप इंजन भी देखिए, देखने में लगता है अपाची का इंजन है जो उठा के इस पर रख दिया गया है। भाई बहुत अच्छी लगती है चलने पर भी गाड़ी, इसमें किसी तरह का कमी नहीं है। 7,500 RPM है, 6,000 RPM पीक टॉर्क जनरेट करता है ये। और इसका 5 गियर हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पे बहुत अच्छी गाड़ी चलती है भाई। फर्स्ट गियर पे तो हाँ कोई भी गाड़ी चलती है, लेकिन सेकंड पे बहुत अच्छी गाड़ी। सेकंड पे हमें लग रहा है ये, अगर हम स्पीड इसको 60 to 70 किलोमीटर स्पीड पर, इसका अगर दूसरे गियर पे हम गाड़ी चलाएं और फुल स्पीड में, तो 70 किलोमीटर तक तो जाएगी। और चलने में भाई बहुत स्मूथ गाड़ी, क्योंकि ये सिटी के लिए भी परफेक्ट है, विलेज के लिए भी परफेक्ट है, हर जगह परफेक्ट है। क्योंकि माइलेज इसका भाई 50+ माइलेज है, और अभी इस वक्त मुझे 50 माइलेज इस पर मिल रहा है। हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद हो सकता है 55 माइलेज पहुंच जाए इसकी। और जो हमारे और भी दोस्त हैं राइडर जो यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो बता रहे हैं हमारा 60 के करीब माइलेज हमें मिल रही है। भाई अगर 60 के करीब माइलेज अगर इस पर मिल रही है, तो इससे अच्छी कोई गाड़ी है ही नहीं। क्योंकि इसकी LED लाइट देखने में लगता है कि हाँ भाई कोई बाइक खड़ी स्पोर्ट बाइक है। 125 CC लगती नहीं है, लेकिन जब हमें पता चलता है अच्छा ये TVS की राइडर 125 CC है, और ऐसे आप देखेंगे तो ये लगेगा ही नहीं कि 125 CC है भाई। ये राइडर की, अब नाम ही जब इसका राइडर है, तो आप सोच ही सकते हैं कि बना करके देंगे ही अच्छी इसको। और इसकी आवाज़ भी अच्छी है, आवाज़ एकदम उसकी तरह दिया गया है, अपाची की तरह आवाज़। कि ऐसा नहीं है कि हाँ अपाची, जैसे मान के चले उसको छोटी अपाची बोलते हैं, स्मॉल अपाची आ गई है। और इसका जो ये हॉर्स बना हुआ है TVS का जो सिंबल, भाई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपाची में भी आया है ये सिंबल, और इसमें भी बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि LED का वाइट कलर सिल्वर में है, जैसे वैसे ही इसका सिंबल है सेम। इसका शॉकर आप देखिए, वो अंदर लगा हुआ है, काफ़ी अंदर लगा हुआ शॉकर। और बरसात में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि जो इसके टायर्स हैं वो मतलब पानी ऊपर को फेंकेंगी, क्योंकि स्पीड में अगर चल रहे हैं, बारिश हो रही है, तब हमारे पैंट जो पीछा आदमी बैठा उसका हो सकता है गंदे हो जाए, नहीं तो इसमें मुझे मडगार्ड लगाना ही पड़ेगा पीछे। और ये देखिए आप, स्पोर्टी टोटल भाई स्पोर्ट है ये, एकदम लगता है ड्यूक है, ड्यूक का छोटा भाई लग रहा है मुझे तो भाई। और इसके साथ साथ इसके इंडिकेटर दोनों साइड दिए हुए हैं, एक ही बटन दबाने पर चारों इंडिकेटर जलते हैं, जो भाई बहुत अच्छा लगता है। जब हम रात में चलते हैं इंडिकेटर चारों ऑन कर देते हैं ना, तो लोग देखते हैं भाई ये कौन सी स्पोर्ट बाइक है, ये कौन सी स्पोर्ट बाइक है। इसकी हाइट बहुत कम है बंदे की, करीब है 5.4। और उसके बाद मैंने भी कहा एक बार स्लो मोशन में थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं कैसे लगेगी चलने में, भाई बहुत अच्छी लग रही। लोग सिर्फ इसको देख रहे थे कि भाई कौन सी बाइक है ये,
कौन सी बाइक है, कितने के लाया, सिर्फ रेट ही पूछ रहे थे। हमने कहा भाई 1.14 की हमें कंप्लीट मिल गई। बोले भाई बहुत अच्छी बाइक है, इतने रेंज में तो आजकल देखा जाए तो फैशन प्रो देख रहे हो आप, 1 लाख की आ रही है, 1 लाख 2 हज़ार। एक्टिवा में लेने गया, एक्टिवा 125 सीसी, और वो भी मुझे सब एक्सेसरीज लेकर के 97,000 की पड़ी। उसके साथ साथ मैंने देखा था यमाहा की जो फसीनो आई भाई, टॉप मॉडल 1,08,000 जा रहा है भाई, क्या चीज़ है। और ये देखो बाइक 1,13,000 की, और इसकी बात ही भाई अलग है। माइलेज कितना देगी फसीनो, 45, और ये 55। स्पोर्ट बाइक यार, बहुत अंतर है दोनों में। और उसके साथ साथ ये 99 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। नई वीडियो आने के लिए भाई सब्सक्राइब करें और लाइक करें।